लालची रसोई में फूड लवर्स का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मेरे रसोई में बन रही है भोग वाली खिचड़ी। इसे निरामिष खिचड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, पहले एक मसाले तैयार करूंगी। उसके लिए लाल मिर्ची, लौंग, इलायची, दालचीनी, खड़ा जीरा और खड़ा धनिया, इसका मैं एक ड्राई रोस्ट करके मसाला तैयार करूंगी। इसके अलावा गाजर, फूलगोभी, अदरक, टमाटर, आलू और हरी मिर्ची। इसके अलावा आप इसमें कुमड़ा और बीन्स भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आधा कटोरी मूंग दाल और एक कटोरी चावल, जितना आप चावल लेंगे उसका हाफ मूंग दाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं एक ड्राई कढ़ाई में मूंग दाल को ड्राई रोस्ट करूंगी। इसे हम लो मीडियम फ्लेम में ड्राई रोस्ट करेंगे और जब तक ड्राई रोस्ट करेंगे जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा चेंज ना हो जाए। जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो हम इस स्टेज में इसे बंद कर देंगे। और हम उसी कढ़ाई में फिर मसालों को भी ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें से भी जब खुशबू आने लगे तो हम इसे भी बंद कर देंगे और इसका एक सूखा पाउडर तैयार कर लेंगे। हम दाल और चावल को मिलाकर इसे अच्छी तरह धो लेंगे। हम यहाँ पर 2 से 3 पानी इसको धोकर रखे हैं। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा तेल डालेंगे और उसमें हम सब्जियों को भून लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। जब सब्जी थोड़ी लाल हो जाए तो हम इसे बंद कर देंगे। अब उसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, उसमें तेजपत्ता और लाल मिर्च डालेंगे और चावल और दाल को डालकर हम इन्हें भूनेंगे। इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और पिसा हुआ अदरक ऐड करेंगे और इसे भी डालकर हम भूनेंगे। अब इसको हम कुकर में ट्रांसफर करेंगे। भुने हुए दाल और चावल को कुकर में डालेंगे और पानी ऐड कर देंगे और इसमें हम भुना हुआ सब्जी डालेंगे, कटी हुई टमाटर डालेंगे, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक और डालकर हम 1 से 2 सीटी आने देंगे। फिर इसे हम कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे और इसमें हमने जो पाउडर भूनकर ड्राई रोस्ट किया था वो 2 से 3 चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह मिला लेंगे। जब मसाला थोड़ा पक जाए तो हम इस स्टेज में खिचड़ी को बंद करेंगे क्योंकि खिचड़ी ठंडा होने के बाद थोड़ी और जमेगी। अब हम यहाँ पे तड़का लगाएंगे। उसके लिए तड़का पैन में हम घी डालेंगे, साबुत जीरा डालेंगे। जब जीरा थोड़ा चटक जाए तो यहाँ पर हम 2 लाल मिर्च डालेंगे। जीरा और लाल मिर्च जब थोड़ा लाल हो जाए तो हम इसका छौंक खिचड़ी में लगा देंगे। इस तरह से हमारी खिचड़ी तैयार है। अगर आपको मेरी भोग वाली खिचड़ी की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और इसको हम दोने में सर्व करेंगे क्योंकि दुर्गा पूजा के पंडाल में इस तरह दोना में ही खिचड़ी मिलता है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस तरह से हम दोना में खिचड़ी सर्व कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।